लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी चीजें मतलब खराब हुई, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, उसमें एक था कसौटी भी जाना। सबसे पहले जब बंद हुआ तो किस तरह का रिएक्शन आपका था? मतलब उन दिनों में एक्चुअली मैं मैंने ऑलरेडी कुमकुम भाग्य शूट करना शुरू कर चुकी थी और मुझे एक्चुअली बहुत बुरा लगा जब कसौटी ऑफ एयर जाने वाला था। आई वॉज वेरी अपसेट, एवरीबडी वॉज वेरी अपसेट अबाउट इट। लेकिन हर एक शो की अपनी अपनी किस्मत होता है, मतलब अपनी किस्मत होती है, एक टाइम ड्यूरेशन होता है। तो वो जब हो गया तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, एक शो हाथ से गया है तो कोई बात नहीं, आई ऑलरेडी हैव कुमकुम भाग्य इन माई किटी। तो शायद बुरा लगने में मुझे मतलब बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगा, लेकिन आई से द फैक्ट कि मुझे मेरे को एक्टर्स देखने को नहीं मिलेंगे, वो सेम सेट दोबारा नहीं मिलेगा, वो निविदता बनने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा, वो चीज़ आई थिंक एक आध हफ्ते तक वो बुरा लग रही थी, फिर नॉर्मल हुई मैं। ऐसा कहा जाता है कि मतलब यू नो पार्ट के शो छोड़ने की वजह से या फिर इस तरह की जो होती है इस सब चीजों की वजह से मतलब शो ऑफ या आपको भी ऐसा लगता है? आई थिंक व्हाट वाज हैपनिंग द स्टोरी लाइन किसी एक पे हम फोकस नहीं कर पा रहे थे एंड देयर वर सो मेनी एक्टर्स, देयर वर देयर वाज मिस्टर बजाज, देयर वाज कोमलिका, देयर वाज शुभावी का मतलब मोहिनी का कैरेक्टर। सो इतने सारे कैरेक्टर्स को जब आप जस्टिफिकेशन नहीं दे पाते हो एज अ शो, तो आई थिंक सभी का मोरल डाउन हो जाता है टू परफॉर्म एनी पर्टिकुलर कैरेक्टर एंड दे ऑल वॉन्टेड टू मूव ऑन, नॉट जस्ट पार्ट, आई थिंक एवरीबडी वॉन्टेड टू मूव ऑन, दे ऑल वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग न्यू। सो आई थिंक दैट्स वॉट हैपन एंड ऑफकोर्स स्टोरी लाइन भी एक सही दिशा में नहीं जा पा रही थी, तो आई थिंक इट वॉज अ गुड डिसीजन कि वो खींच खींच के शो दिखाने से बेटर है कि उसे एक सही मतलब सही टाइम पे उसे बंद करके कुछ दूसरों को भी नया कुछ करने का मौका मिल जाए। आई थिंक दैट शुड बी द रीजन ऑल्सो फॉर एनी प्रोड्यूसर टू टेक ऑफ एनी पर्टिकुलर शो। तो क्या लगता है जिस तरह से बंद हुआ है नेक्स्ट सीजन की उम्मीद करें? आई थिंक इट्स वेरी सून फॉर मी टू टॉक अबाउट इट, मुझे खुद को नहीं पता। इनफैक्ट काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कहने को हम सफर है सीजन 4 आएगा या नहीं आएगा, खैर हमने तो अभी तक शूट नहीं किया है सीजन 4 का, बट किसी भी शो को थोड़ा टाइम देना पड़ता है। इमीजिएटली आई डोंट थिंक, इमेजिन कसौटी सेकेंड सीजन आया 10 साल बाद, राइट? तो आप एटलीस्ट 2-3 साल तो रुक जाए, अभी एक साल भी नहीं हुआ है, बट आएगा तो आई एम श्योर आएगा, तब भी आई थिंक इट विल बी वेरी नाइस, इट विल बी वेरी गुड। पूजा को सिर्फ फिक्शन शो या फिर रियलिटी शोज में भी पसंद से बिग बॉस टाइप में अगर ऑफर आएगा तो क्या करेंगे? आए थे, मैंने अभी लिया नहीं, एज अ एक्टर आई फील मुझे और बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है एज एन एक्टर, एंड व्हेन आई ऑलरेडी हैव वर्क इन माय हैंड, मैं अपना काम काज छोड़ के मैं बिग बॉस में अभी क्यों जाऊँ? यू नो व्हेन आई फील कि नो नाउ आई हैव टाइम, बिकॉज मेरे ऑलरेडी कमिटमेंट्स थे, कहने को हम सफर है, कसौटी, कुमकुम भाग्य, मेरे इतने सारे शोज में ऑलरेडी साइंड अप हूँ, तो Nobody will let me go. I think whenever I have time, I will go for sure. But Big Boss show में बहुत लोग जाने से कतराते हैं। तो मैंने तो बहुत सारे reality shows कर लिए, मैं तो शुरुआत ही मैंने रोडी से की थी, तो मुझे से किसी से कोई डर नहीं लगता है, मुझे पता है if I am right, if I am strong enough to be a contestant in a show like this, I can. अपने फैन से क्या करेंगे lastly? फैन से तो ऑफ कोर्स मैं पहले तो ये कहूँगी कि शार्दुल का ये जो नया शो है शाना शार्दुल, इसे सुनना और देखना ना भूलिए, एंड ऑफकोर्स मेरे शो कुमकुम भाग्य जो कि जी टी वी पर आता है उसे देखना ना भूलिए, एंड लेट मी नो कि आप मुझे और कौन से रोल में देखना प्रेफर करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।